हाय एवरीवन, इस डिटॉक्स प्लान में जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आई वो थी वेट लॉस के बारे में. और भी बहुत सी क्वेरीज हैं अलग अलग थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के बारे में या फिर अलग मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, बट आज का जो हमारा सेशन है या आज जो हम बात करते हैं डिटॉक्स प्लान के अंदर वेट मैनेजमेंट के बारे में. अगर जैसे वेट की हम बात करते हैं तो मैं जनरली इस बात पे हम ज़्यादा ध्यान देने को कहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए. अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा तो ऑलरेडी आप हेल्दी रहेंगे. और जब आप हेल्दी हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका डाइट बिल्कुल सही है, आप कम से कम प्रोसेस्ड खाना या कम से कम फास्ट फूड ले रहे हैं, साथ में आप कम स्ट्रेस है आपको, तो बहुत नेचुरल सी बात है वेट भी आपका काफ़ी हद तक नॉर्मल रेंज में रहेगा. कम वेट होना या ज़्यादा वेट होना, ये दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. तो देखिए, सबसे पहले तो आज वेट ज़्यादा होने की पहली क्वेरी है कि वेट लॉस स्टार्ट कैसे करें. ये मैक्सिमम आई थिंक इतनी सारी क्वेरीज आई है सेम क्वेश्चन की कि मैम किस तरीके से वेट लॉस हम स्टार्ट करें. तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है वेट लॉस स्टार्ट करने के लिए आपको, ये आपके ब्रेन से शुरू होता है, आपको यू हैव टू डू कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड. आपको इस हेल्दी ईटिंग की तरफ जाना है. ये जो वेट लॉस जो चीज़ है कि वेट लॉस करना है मुझे 15 दिन में, आपने बहुत सबसे पहली चीज़ तो आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जिसमें ये होता है कि 15 दिन में 10 किलो कम कर लो, 30 दिन में 5 किलो कम कर लो, या फिर मैंने फास्ट वेट लॉस करके इतना फटाफट ये कम कर दिया. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हेल्दी ईटिंग शुरू करिए. अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है तो हेल्दी ईटिंग शुरू करने के लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है. आप अपने घर में, जो ये रीज़न था ये डिटॉक्स प्लान करने का कि आप अपने घर में से ये स्टार्ट कर सकते हो, तो बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ कि कैसे इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हैं. इनिशियली स्टार्ट करने के लिए जैसे हमारी 3 मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तो सबसे पहले आप कोशिश करें फॉर फर्स्ट 3 डेज कि अपने ब्रेकफास्ट को आप टाइम पे करिए और अपने ब्रेकफास्ट को आप हेल्दी बनाइए. हेल्दी बनाने से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा तला भुना ना हो, ऐसा भी ना हो कि बिकॉज ब्रेकफास्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील, आप अपने पूरे डेली एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो यू नीड प्रॉपर कैलोरीज, तो उसके अंदर सब कुछ हो. जनरली जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो ये होता है कि 1 सीरियल का पोर्शन होना चाहिए. उसमें आपको कुछ भी फैंसी आइटम की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में सब कुछ होता है. जैसे कि आप, बहुत से लोग रोटी सब्जी या परांठा सब्जी प्रेफर करते हैं ब्रेकफास्ट में, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं. आप दलिया प्रेफर कर सकते हो, आप होल ग्रेन दलिया जो अवेलेबल है वो प्रेफर कर सकते हो, इडली हो गया, डोसा हो गया, जो आपके घर में जो लोकली अवेलेबल है, जिसको खाते हुए आप बड़े हुए हैं, तो इस तरीके का हेल्दी चीज़ आप प्रेफर कर सकते हो. उसके साथ टेक 1 फ्रूट ताकि आपका फाइबर कंटेंट पूरा हो, एंड देन टेक 1 काइंड ऑफ अ ग्रीन टी या कोई भी ऐसी, साथ में आप जैसे मट्ठा ले सकते हो मौसम के हिसाब से, या थोड़ा सा मिल्क ले सकते हो, या फिर अलग तरह की हर्बल टीज हो गई, ग्रीन टीज हो गई, इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हो. तो सबसे पहला लाइक फॉर 3 to 4 डेज कोशिश करें कि आप अपना 1 मील को आप हेल्दी करिए. धीरे धीरे चलते हैं. अगर जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ों की तरफ जाते हैं तो कई बार रिजल्ट नहीं आते एंड वो सस्टेनेबल नहीं होता है. देन कंसंट्रेट ऑन द सेकेंड मील, आपका लंच. इंडियन लंच, अपना इंडियन थाली अपने आप में बहुत ही न्यूट्रिशियस है. तो कोशिश करें कि न्यूट्रिशन पे ध्यान दें. न्यूट्रिशन पे ध्यान देने से मेरा मतलब है, आजकल जैसे इस मौसम में आपके लीफी वेजिटेबल्स आएंगी तो लीफी वेजिटेबल्स रखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स रखिए, एक दाल रखिए और साथ में रोटी रखिए. एंड इफ देयर इज, आप प्रिफर करते हैं तो थोड़ा सा राइस भी रख सकते हो, कर्ड ज़रूर रखिए अपनी डाइट में. तो एक प्रॉपर, सॉरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मैं भूल गई, तो वो भी आप अपनी डाइट में रखें. तो एक प्रॉपर इंडियन डाइट हुआ जो कि आपको लेना है. तो इस तरीके का आपका लंच हो गया. तो देखिए कितना सिंपल है. जस्ट आपको अपनी, अभी सब लोग बोलते हैं कि मैम हम तो इतना नहीं खाते, बट फिर भी कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि एक रोटी अगर आप देखते हैं तो 80 to 85 कैलोरीज की होती है जनरली हमारे इंडियन हाउस होल्ड में. बट जहाँ पे आप बात करते हैं, मैंने तो एक छोटा सा मिठाई का पीस लिया तो वो मिठाई का पीस कैन रेंज फ्रॉम 200 कैलोरीज टू 1100 कैलोरीज. तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. तो बेहतर ये है कि आप, अगर आप वेट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो हेल्दी ईटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर किचन, विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर चॉइसेस. आपकी चॉइस से शुरू होता है कि आप क्या चॉइस कर रहे हैं.
फिर आपने लाइक अगले 3-4 days आपने अपने लंच पे कंसंट्रेट किया, देन सेम वे डिनर. तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपकी तीनों मील हेल्दी हो जाएगी. उसके बाद देन साथ ही साथ में, नॉट उसके बाद, साथ साथ में आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी, स्टार्ट विथ वॉकिंग, बहुत ही कंफर्टेबली स्टार्ट करिए. अगर आप कंफर्टेबली स्टार्ट करेंगे, अपने घर से स्टार्ट करेंगे, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, तो बहुत आसान होगा उसको फॉलो करना. जो चीज़ फटाफट होती है, अच्छा अगर आप चाहते हैं आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से मिलके करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिफाइड बंदे के पास जाके उनके साथ ही आप स्टार्ट करें. क्योंकि कई बार ये होता है ना, किसी ने वो डाइट करी, मैं वो फॉलो कर लेती हूँ. अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट है तो वो आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगी, वो आपके एक्टिविटीज़, आपकी क्या डेली रेजिम है उनका ध्यान रखेंगी, और उसको ध्यान में रखते हुए, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपकी डाइट बनाएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसा करते भी हैं, क्योंकि कई बार जो क्लेम्स होते हैं कि एक महीने में 10 किलो, तो दैट कैन नॉट बी हेल्दी. वो हेल्दी नहीं हो सकता जब तक कि मेडिकल कंडीशन से वेट लॉस ना हो, जब तक कि आपके डॉक्टर ने रिकमेंड ना किया हो किसी भी वजह से, तब तक आपको इस तरीके के जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आप उसको बाद में भी जाके सस्टेन नहीं कर पाओगे. तो ये एक मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया कि किस तरीके से आप अपना वेट लॉस की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो. धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं. अगर कोई बोलता है कि बिना एक्टिविटी करे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जंक खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. तो जस्ट थिंक अबाउट दिस, हमें हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. बॉडी इज़ द ओनली थिंग जो हमेशा आपका साथ निभाएगी. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर योर बॉडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जनरली मैं रिकमेंड करती हूं. यू आर वॉट यू ईट. तो देखिए, हमारे सोचने भी, जो अभी लास्ट सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था ना, स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, कि आप जो खाते हो आप उस तरीके से आप सोचते हो. इफ यू आर ईटिंग हेल्दी तो आप यू विल फील गुड. क्योंकि देखिए, जब आप अच्छी चीजें खा रहे हैं तो गुड बैक्टीरिया जो कि आपके स्टमक के अंदर हैं, उनको फूड मिल रहा है. जब उनको फूड मिल रहा है, वो जब उनके हिसाब से उनको फूड मिल रहा है, विच इज़ अ कंसेप्ट ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है, आपके हार्मोन्स ढंग से काम करते हैं. देन यू फील बेटर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना आपका आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो. तो ये तो हो गया कैसे स्टार्ट करें. बहुत सारे क्वेरीज आई. मैं तो डिटॉक्स प्लान हमने शुरू किया था और सारी मैक्सिमम ऑफ द क्वेरीज आर अबाउट वेट मैनेजमेंट या थेरेपेटिक डाइट. तो आज मैं वेट मैनेजमेंट की कुछ टिप्स ले रहे हैं. देन सेकंड क्वेश्चन था कि हाँ, वेट तो हमने कम कर लिया, वो फिर से बढ़ गया. तो ये दूसरी प्रॉब्लम है. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म रिजल्ट की तरफ देखा, आपने अपनी हेल्थ की तरफ नहीं देखा. आप क्या कर रहे हैं, जब आप फटाफट इस तरीके की चीज़ें ट्राई करते हो ना, तो देन यू आर अब्यूसिंग योर बॉडी. कि मैंने 7 दिन ये करा, अब 3 किलो कम कर लिया, ठीक है, वो भी ठीक है. आप इस तरीके की अगर आप डाइट्स फॉलो करते हो, जो कि आजकल मार्केट में बहुत सारी डाइट्स हैं, कोई भी डाइट आपको अगर ये बोलती है कि जंक खाओ, देन इट इज़ नॉट गुड. तो ज़्यादातर डाइट्स आपको ये बोलेंगी कि आप हेल्दी ईटिंग में जाओ, एक्सरसाइज करो, या फिर आप अपने जो बाहर का तला भुना है या वट एवर मार्केट फूड है, पैकेज्ड फूड है, इनको आप रेस्ट्रिक्ट कर दो. तो अगर आप शॉर्ट टर्म करते हैं, अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ करते हो, अपनी बॉडी की नीड्स को ध्यान में रख के करते हो, एंड उसके बाद आप अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन उसके बाद लेते रहते हैं, एंड आप क्वालिफाइड बंदे के अंडर में करते हो, तो ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अब ये वापस बढ़ गया क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म रिजल्ट की तरफ देखा. अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे, तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, वो सस्टेनेबल रहेगा. और ऐसे नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक अपने कंफर्ट जोन से निकल के करना है, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ आप लंबे टाइम तक नहीं कर सकते. जैसे कुछ लोग हमारे पास आते हैं, इंडियन हाउस होल्ड में है, सब डेली रोटी सब्जी बन रहा है, एंड दे आर सेइंग कि मैंने तो रोटी छोड़ दी है, अभी मैं रोटी छोड़ के मेरा इतना सारा वेट लॉस हो गया, मैं सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आ गई हूँ. या फिर कुछ लोग आते हैं वो डिफरेंट तरह के, मैं किसी तरीके के सैलड्स पे आ गई हूँ. तो वो आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, वो अपने इंडियन हाउस होल्ड में लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा. हर बंदे के लिए, हर न्यूट्रिशनिस्ट का रिकमेंडेशन अलग अलग होता है. तो इसीलिए अब आप अगर आप इस तरीके के एफर्ट्स करेंगे जिसको कि आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकें, जो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से हो, जो आपकी बॉडी के हिसाब से हो, और वो आपकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से हो, तो लॉन्ग टर्म आप उसको फॉलो कर पाएंगे और वेट उसके बाद बढ़ेगा भी नहीं. देन उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि
कि मैम हमने ऐसे ही रिपोर्ट्स कराई थी, ईयरली रिपोर्ट्स होती हैं और उसमें हमें डायबिटीज़ आई है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आया है, तो अब हम क्या करें, हम दवाई स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आपने डाइट फॉलो नहीं करी है और अगर आपने चांस रिपोर्ट्स कराई हैं, आपने ऐसे ही आपने रिपोर्ट्स कराई हैं, उसमें कोई दिक्कत आई है, तो अपने डॉक्टर से जाके मिलें और मिनिमम आप कोशिश करें कि आप लाइक 15 डेज या 1 मंथ अपने डॉक्टर से पूछने के बाद अपने लाइफस्टाइल को सही करें, अपनी डाइट को सही करें, अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा मैनेज करें, मतलब एक तरीके से लाइफ को थोड़ा सा आप एक हेल्दी तरीके से 1 महीने तक फॉलो करने की कोशिश करें और उसके बाद वापस से आप टेस्ट करवाइए और उसके बाद जो मेडिकेशन अपने फिजिशियन से बात करें और जो मेडिकेशन स्टार्ट होती है उसके बाद स्टार्ट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है, मोर और लेस। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपके बिल्कुल वॉकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एंड जंक बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी कई बार रिपोर्ट्स में वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक डाइट को जो कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है और अगर मेडिकल कंडीशन आ गई है तो उसके अकॉर्डिंग है, तो एक बार उसको आप फॉलो करके देखिए, उसके बाद फिर जो भी आप रिपोर्ट्स कराते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद फिर आप, अगर आपको इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हम जब क्लिनिक में देखते हैं तो ज़्यादातर लोग जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं वो जब एक हेल्दी डाइट में आते हैं, इवन आप हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर लीजिए, यूरिक एसिड की बात कर लीजिए, डायबिटीज़ की बात कर लीजिए, हाइपरटेंशन की बात कर लीजिए, स्ट्रेस की बात कर लो, इसमें डाइट का सबसे बड़ा रोल है। तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश करिए और उसके बाद फिर आप ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आती, आज मैंने कहा था कि हम क्वेरी वाला सेक्शन लेंगे बट इतनी सारी क्वेरीज आई तो आज हम वो नहीं ले पाए, तो कल हम आपके सारी क्वेरीज को लेंगे। और अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फिर कल फिर से मिलते हैं, डिटॉक्स डाइट को आप फॉलो करिएगा। आज का हमारा संडे का दिन था जिसमें सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे एंड कल से वापस जो नॉर्मल प्लान मैं आपको दे चुकी हूँ वो वापस से अगले 3 दिन के लिए होगा। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि मैम हम तो स्टार्ट ही नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले वाले वीडियो से स्टार्ट करें और आप कल से 7 दिन स्टार्ट करें। हेल्दी ईटिंग के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ना कोई टाइम होता है और ना ही कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता, आप आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप यहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।